हेलो स्टूडेंट्स, तो अभी हम एसी सर्किट के बारे में पढ़ रहे हैं। एसी सर्किट के बारे में हमने अभी तक कौन कौन से सर्किट पढ़ा है? एसी सर्किट कंटेनिंग ओनली रेजिस्टर, एसी सर्किट कंटेनिंग ओनली इंडक्टर, एसी सर्किट कंटेनिंग ओनली कैपेसिटर। उसके बाद हमने पढ़ा, हमने देखा कि एसी सर्किट कंटेनिंग एलआर, है ना, आई मीन एलआर सीरीज सर्किट, आरसी सीरीज सर्किट एंड एलसी सीरीज सर्किट। आज जो हम पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे? आज एलआरसी सीरीज सर्किट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एलआरसी सीरीज सर्किट। तो एलआरसी सीरीज सर्किट पढ़ेंगे। तो एलआरसी सीरीज सर्किट में क्या होता है कि एलआर एंड सी जो होता है वो क्या होता है? सीरीज में होता है। क्या होता है? सीरीज में होता है। अब देखो ध्यान से, तो यही क्या है, एल सी एंड क्या आर, ये सीरीज, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे? देखो ये एल हो गया सी एंड आर, ठीक है। इसकी अक्रॉस जो वोल्टेज होगा उसको हम क्या बोलेंगे? वी एल, ठीक है। इसकी अक्रॉस जो वोल्टेज होगा उसको हम क्या बोलेंगे? वी सी। और यहां जो वोल्टेज होगा रेजिस्टेंस के अक्रॉस ड्रॉप होगा उसको हम क्या बोलेंगे? वी आर, ठीक है। समझ में आई बात? यहां से क्या है? करंट आई फ्लो और ये क्या है? वी, वी इज इक्वल टू, देखो ये क्या है, वी इज आई मीन वी इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है। एलसीआर, एलसीआर सीरीज सर्किट, ठीक है। क्या है? एलसीआर सीरीज सर्किट। अब आपसे इसमें भी पूछा जाएगा फाइंड द इंस्टेंटेनियस करंट और फाइंड द एम्पलीट्यूड ऑफ द करंट, फाइंड इंपीडेंस। इंपीडेंस मैंने बताया था कि इंपीडेंस बिहेव लाइक क्या होगा? रेसिस्टेंस फॉर द एसी सर्किट, एसी करंट एस रेसिस्टेंस ऑफर बाय द क्या होगा? रेजिस्टर्स इन केस ऑफ डीसी करंट, ठीक है। तो इंपीडेंस कैलकुलेट करो, करंट कैलकुलेट करो, वोल्टेज व्हाट इज द रिलेशन अमाउंट क्या होगा? वी नॉट, वी एल, वी सी एंड वी आर। इसके लिए भी सबसे आसान तरीका क्या होता है? फेजर डायग्राम ड्रॉ करना। क्या ड्रॉ करना? फेजर डायग्राम। फेजर डायग्राम में मैंने बताया था कि वी आर एंड आई वो हम कहां कंसीडर करेंगे? देखो तीनों में सेम क्या है? करंट है। तो करंट को हम कहां रखेंगे? पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग या पॉजिटिव हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अलोंग, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे? फेजर डायग्राम ड्रॉ करेंगे और फिर वहां से इंपीडेंस वोल्टेज में रिलेशन कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो देखो यहां फेजर, फेजर डायग्राम ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फेजर डायग्राम, ठीक है। अब फेजर डायग्राम में हम क्या करेंगे? सबसे पहले देखो याद रखना है कि वोल्टेज जो होगा, आई मीन वीएल जो होगा वो क्या होगा? आई से क्या होगा? 90 डिग्री क्या होगा? लीड करेगा, ठीक है। क्या होगा? आई से जो होगा वो क्या होगा? वीएल 90 डिग्री लीड करता है। वीसी क्या करता है? आई से क्या करता है? 90 डिग्री लैग करता है। और वीआर और आईआर जो होते हैं वो क्या होते हैं? इन फेज में होते हैं। तो यहां हम जो तीनों में सेम होगा उसको हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे लेंगे। और मैंने बताया था करंट इन द रेजिस्टर एंड वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द रेजिस्टर्स ऑलवेज आर इन फेज, ठीक है। क्या है? ऑलवेज क्या है? आर इन फेज। तो इस केस में अब देखो यही क्या हो गया आपका? दिस इज नथिंग बट द वी आर, ठीक है। वी आर इधर हमने क्या लिया है? आई आर। ऑलवेज क्या होगा? फेज। अब VL क्या होता है? इससे 90 डिग्री क्या होता है? ऊपर होगा, ये होगा ना ऊपर, ये 90 डिग्री। और VC क्या होता है? VC जो होगा वो क्या होगा? 90 डिग्री क्या होगा? नीचे होगा। ये 90 डिग्री क्या होगा? नीचे। और ये 90 डिग्री क्या होगा? ऊपर होगा। यहां से VL और VC में फेज डिफरेंस कोई पूछे तो क्या बताओगे आप? VL एंड VC में फेज डिफरेंस कोई पूछे तो क्या बताओगे? VL एंड VC में फेज डिफरेंस कितना है? 180 डिग्री। क्या है? आउट ऑफ फेज। इन फेज का मतलब क्या हुआ? फेज डिफरेंस क्या होगा? जीरो। आउट ऑफ फेज का मतलब क्या हुआ? देयर विल बी सम फेज डिफरेंस।
तो ये होगा, इसको थोड़ा सा और अब देखो क्या होगा, यहाँ क्या होगा Vn Vc से क्या हो सकता है बड़ा हो सकता है, और Vn जो होगा वो Vc से क्या हो सकता है छोटा हो सकता है, और Vn एंड Vc क्या होगा इक्वल हो सकता है, तीन कंडीशन पॉसिबल है। उसी के बेसिस पे हम बोल सकते हैं कि क्या होगा कि करंट वोल्टेज से लीड करेगा, लैग करेगा और इन फेज में होगा, तीन कंडीशन होगा। ठीक है, तो यहाँ हम एक और डायग्राम यहाँ मैं मान लेता हूं क्या है कि Vn, देखो ये क्या हो गया, This is Vr, this is क्या हो गया Vl minus हमने क्या मान लिया Vc, हमने मान लिया। तो देखो ये Vl minus Vc और ये Vr हो गया, तो obviously ये जो होगा वो क्या होगा Vr होगा, Vr is equal to क्या हो जाएगा square root of, देख सकते हो तुम क्या होगा V, क्या होगा Vr is square root of क्या हो जाएगा Vr square plus Vl minus Vc whole square। अरे ये होगा ना, देखो पाइथागोरस थ्योरम से यार तुम वेक्टर की तरह सोचे होते हैं, रिजल्टेंट वेक्टर हो गया, तो जस्ट इसको वेक्टर की तरह हम सोचते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है। अब यदि ये फाई होगा, देखो ये फाई इधर क्या है Vr और I, I जो होगा ऑलवेज क्या होगा फेज में, तो फाई यदि क्या होगा पॉजिटिव होगा तो ये जो वोल्टेज होगा वो क्या होगा करंट से क्या करेगा लीड करेगा, यदि फाई निगेटिव होगा तो वोल्टेज होगा वो करंट से क्या होगा लैग करेगा, यदि फाई जीरो हो जाएगा तो वोल्टेज और करंट तीनों क्या हो जाएंगे, वोल्टेज और करंट जो होंगे वो क्या हो जाएंगे इन फेज में हो जाएंगे। ठीक है, तो यहां से देखो, तो पहला जो पॉइंट है, हमेशा देखो तुमको फेजर डायग्राम आता है तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा यहां से। ठीक है, अब यहां हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, यहां लिख सकते हैं देखो Vr is equal to क्या लिख सकते हैं Vr square plus Vl minus Vc the whole square। ठीक है, ये Vr क्या है एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड ऑफ क्या है एम्पलीट्यूड ऑफ पावर सप्लाई, पावर सप्लाई वोल्टेज, Vr तुमको मालूम है, Vl मालूम है और क्या है Vc मालूम है। अब यहां से हम ये भी लिख सकते हैं, ये बात समझ में आई, अब देखो यहां से हम ये भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं दोनों तरफ क्या करें हम करंट से क्या करें, देखो तो Vr को अब इसको इस ये क्या होगा दिस ए, दिस इज नथिंग बट द xl, दिस इज xc और दिस इज क्या होगा। ठीक है, तो हम यहां Vr, देखो तो यहाँ Vr is equal to हम भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं Vr के जगह क्या लिख सकते हैं Ir, तो यहाँ क्या लिखेंगे Ir square plus क्या लिखेंगे XL minus XC square I square, समझ में आया। अब यहाँ लिख सकते हैं Vr is equal to Ir into क्या लिख सकते हैं, देखो ध्यान से ये I नट लिख लेना, I नट का मतलब क्या हुआ एम्पलीट्यूड, I नट, ठीक है हमने ऐसे मान लिया। ठीक है, I नट लिख लेना, तो ये I नट V नट इनटू I नट, ये क्या हो जाएगा R स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा XL माइनस XC द होल स्क्वायर, और इसी को हम क्या बोलते हैं देखो V नट इज इक्वल टू I नट इनटू क्या लिखेंगे सेट, This is the क्या होगा? This is impedance। इसको हम क्या बोलते हैं? Impedance। This is क्या होगा? Amplitude of current। Amplitude of क्या होगा? Current। हमेशा और this is nothing but the amplitude of क्या होगा? इनपुट वोल्टेज, क्या होगा एम्पलीट्यूड ऑफ क्या होगा पावर सप्लाई। ठीक है, कोई डाउट नहीं है इसमें, तो ये देखो जेड, वेयर जेड क्या होगा जेड इज इक्वल टू, देखो यहां से ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, हम न्यूमेरिकल देखेंगे कभी क्या होगा Vr दिया रहेगा, Vl इसमें से देखो चार है, इसमें से क्या होगा एक तीन दिया रहेगा, एक आपसे पूछा जा सकता है। दूसरा क्या है कि इंपीडेंस कैसे लिखेंगे, तो यहाँ जेड
is equal to क्या हुआ square root of r square plus क्या होगा xl minus xc तो क्या होगा ठीक है। अब हम क्या लिख सकते हैं करंट भी लिख सकते हैं इस केस में। अभी देखो यहां क्या है वोल्टेज जो है वो क्या है करंट से क्या कर रहा है लीड कर रहा है तो वोल्टेज का इक्वेशन ये है तो हम लिखेंगे I is equal to क्या होगा I is equal to I naught sin of omega t minus क्या होगा phi क्योंकि करंट क्या है देखो यहां वोल्टेज ये है where I naught is equal to क्या है I naught is equal to क्या होगा V naught upon J और V naught upon क्या होगा V naught upon क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी डबल स्क्वायर। एक्सएल तुमको मालूम है तो क्या होगा डिपेंडिंग ऑन देखो यहां से तीन कंडीशन ये आपसे पूछा जाएगा। पहले देखो हमने क्या किया रिलेशन लिख डाला फेजर डायग्राम से उसके बाद डायरेक्ट हमने हम क्या करेंगे एम्पलीट्यूड ऑफ द करंट कैलकुलेट कर लेंगे और जैसे ही एम्पलीट्यूड मिलेगा तो वहां से हम क्या करेंगे फेज। अब फेज इक्वल टू क्या होगा यहां से तुम देख सकते हो यहां से देखो tan phi इज इक्वल टू चलो यहां लिख देता हूं देखो वेयर tan phi इज इक्वल टू क्या होगा देखो यहां से vl क्या होगा देखो tan phi इक्वल टू क्या होगा vl माइनस vc अपॉन क्या होगा vr। इसको अगेन हम क्या लिख सकते हैं देखो xl माइनस xc अपॉन क्या लिख सकते हैं तो phi is equal to क्या होगा tan inverse of vl vl minus vc upon vr is equal to tan inverse of xl minus xc upon क्या होगा r क्या होगा tan inverse of xl ठीक है। ये क्या है phase difference है क्या है phase तो हमने इंपीडेंस लिख दिया जेड क्या है फेज डिफरेंस। अब डिपेंडिंग ऑन द क्या होगा इस फेज वैल्यू ऑफ फेज क्या होगा फेज क्या हो सकता है पॉजिटिव हो सकता है नेगेटिव हो सकता है फेज किस पे डिपेंड करेगा वीएल वीसी पे डिपेंड करेगा। तो क्या होगा डिपेंडिंग ऑन द क्या होगा वैल्यू ऑफ क्या होगा एक्सएल और एक्सी यहां से लिख सकते हैं क्या होगा डिपेंडिंग डिपेंडिंग ऑन the value of क्या होगा XL and क्या होगा and XC current may lead or lag with voltage by phi ठीक है क्या होगा by phi। ये बात समझ में आई। अब देखो यहां हम क्या करें इस केस में क्या होगा ये समझ में आएगा कि ये phi डिपेंडिंग ऑन phi का वैल्यू क्या है xl xc और vl vc पे क्या है डिपेंड है उसके बेसिस पे हम बोल सकते हैं कि करंट जो होगा। अब देखो यहां क्या होगा phi यदि पॉजिटिव आ जाए तो करंट क्या करेगा लैग करेगा क्या है वोल्टेज से। यदि फाई नेगेटिव आ रहा है तो करंट जो होगा वोल्टेज से क्या करेगा लीड कर जाएगा ठीक है। और फाई जीरो आ जा रहा है तो करंट एंड वोल्टेज जो होंगे वो क्या होंगे फेज में होंगे या इन फेज उसको बोलते हैं ठीक है। अब यहां से केसेस जो होंगे तीन सिचुएशन हो सकता है देखो क्या होगा यहां कि पहले क्या होगा कि फर्स्ट केस हम क्या कंसीडर कर रहे हैं देखो ध्यान से इफ क्या होगा इफ केस फर्स्ट इफ क्या होगा VL क्या होगा देखो इफ XL इज इक्वल टू क्या होगा XC और क्या होगा देखो XL इज इक्वल टू XC और हम बोल सकते हैं क्या होगा VL इज इक्वल टू क्या होगा VC ठीक है। I mean voltage drop across inductor and capacitor क्या होगा same होगा ठीक है। तो इस केस में क्या होगा देखो ध्यान से क्या होगा XL को क्या लिख सकते हैं omega into L equal to 1 upon क्या लिख सकते हैं omega C तो omega is equal to क्या होगा square root of
फ्रीक्वेंसी। दिस इज कॉल्ड क्या होगा, दिस इज कॉल्ड, इसको हम क्या बोलेंगे, दिस इज कॉल्ड रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हैं, रेजोनेंस और दिस इज कंडीशन फॉर क्या होगा, कंडीशन ऑफ। अब रेजोनेंस में क्या होगा, देखो यहां से ओमेगा आर इज इक्वल टू क्या होगा, ओमेगा आर इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ क्या होगा, एलसी हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ये हमने एलसी ऑसिलेटर में भी ये रिजल्ट देखा था। ठीक है, क्या है, एलसी ऑसिलेटर में भी हमने इस रिजल्ट को देखा था। तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी क्या होगा, इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस पे क्या होगा, डिपेंड करेगा। किस पे डिपेंड करेगा, सेल्फ इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस पे डिपेंड करेगा। अब देखो क्या होता है कि अब इस केस में आई जो होगा वो क्या होगा, देखो देखो तो एक्सएल और एक्सी हो जाएगा, तो जेड क्या हो जाएगा, जेड जो होगा क्या हो जाएगा, जेड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस XL माइनस क्या हो जाएगा, XC द होल स्क्वायर और इक्वल टू क्या हो जाएगा, R। इस सिचुएशन में Z क्या हो जाएगा, Z मीन हो जाएगा। ठीक है, Z मीन हो जाएगा और करंट जो होगा वो क्या हो जाएगा, देखो करंट एम्पलीट्यूड ऑफ द करंट की बात करूं, I नॉट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, I नॉट जो होगा वो क्या हो जाएगा, V नॉट अपॉन क्या हो जाएगा, Z। तो V नॉट अपॉन क्या हो जाएगा, ये क्या है, एट रेजोनेंस। इसको क्या बोलते हैं, आप देखो क्या होगा, यहाँ रेजोनेंस का मतलब क्या होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। तो यहां मैं बता देता हूं कि व्हेन क्या होगा, व्हेन व्हेन क्या होगा, व्हेन कोई पूछे व्हेन, व्हेन नेचुरल फ्रीक्वेंसी, नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ सीरीज LCR circuit, when the natural frequency of the circuit, simple हम लिख सकते हैं, when the natural frequency of the क्या होगा circuit match, ठीक है, क्या होगा, when natural frequency of the circuit matches with the क्या होगा, the frequency, frequency of input power supply, then क्या होता है, then क्या होगा, current flowing in the circuit will be क्या होगा, will be maximum और impedance offered by the circuit will be क्या होगा, will be मिनिमम, देन सर्किट, देन दिस इज कॉल्ड रेजोनेंस, देन दिस इज कॉल्ड क्या होगा, रेजोनेंस। ठीक है, क्या होगा, इसको हम क्या बोलते हैं, रेजोनेंस बोलते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रेजोनेंस। अब देखो क्या होगा, रेजोनेंस में क्या क्या होता है ये पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो पहले क्या बताया, ये तो मैंने यहां से बताया कि रेजोनेंस में तो कंडीशन फॉर रेजोनेंस कोई पूछेगा तो क्या बताओगे, फिर से मैं लिखता हूं, देखो कंडीशन फॉर क्या होगा, देखो यहां से कंडीशन फॉर क्या होगा, या इन रेजोनेंस या एट रेजोनेंस क्या होगा, एट रेजोनेंस, ये पॉइंट लिखना जरूरी, एट रेजोनेंस। पहले पहली बात क्या है कि क्या होगा, XL इज इक्वल टू क्या होगा, XC, ठीक है, और क्या होगा, ओमेगा R इज इक्वल टू क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ LC। तो जब भी रेजोनेंस पूछा जाए
ए क्या हो जाएगा, ओमेगा आर इज इक्वल टू क्या होगा, ओमेगा के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ठीक है, ये बात समझ में आई। ओमेगा क्या है, इनपुट पावर सप्लाई की फ्रीक्वेंसी है। क्या है, इनपुट पावर। फ्रीक्वेंसी ऑफ इनपुट पावर, फ्रीक्वेंसी ऑफ इनपुट पावर सप्लाई। अब रेजोनेंस फ्रिक्स, ये बात समझ में आई। कभी कभी ऐसे भी क्या होगा, दिया रहेगा, तुमसे ये पूछा जाएगा, रेजोनेंस लिख लो, और या तो दिया रहेगा ये, तो क्या होगा, ये रेजोनेंस का मतलब क्या होगा कि जब नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द सर्किट क्या हो जाए, इनपुट पावर सप्लाई के फ्रीक्वेंसी से मैच हो जाएगा, तो उस किस कंडीशन में क्या होता है कि रेजिस्टेंस ऑफर बाय द क्या होगा, एलसीआर सीरीज सर्किट क्या होता है, मिनिमम होता है, और क्या होता है, करंट फ्लोइंग इन द सर्किट क्या होता है, मैक्सिमम होता है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड द कंडीशन ऑफ रेजोनेंस इन एलसीआर सीरीज सर्किट। हम क्या पढ़ रहे हैं, एलसीआर सीरीज सर्किट पढ़ रहे हैं, इसलिए मैंने यहां एलसीआर सीरीज सर्किट नहीं लिखा। ठीक है, तो पहले एड रेजोनेंस ही होगा। दूसरा क्या होगा पॉइंट, कि करंट इन द क्या होगा, देखो करंट ये लिखते जाना है, करंट करंट इन द क्या होगा, इन द सर्किट विल बी क्या होगा, विल बी क्या होगा, मैक्सिमम। और ठीक है, तो आई नट जो होगा वो क्या हो जाएगा, ये मैक्स हो जाएगा, है ना, और ये मैक्स कितना हो जाएगा, वी नट अपॉन क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। अब पिक वैल्यू जो है वो क्या है, केवल क्या हो जाएगा, रेसिस्टेंस पे क्या होगा। ठीक है, तो एक कंडीशन ये था, दूसरा ये भी लिख लेना कि VL इज इक्वल टू क्या होगा, VC। जहां ये दिखे, ये पॉइंट दिखे, वहां हम क्या करेंगे, हम ये मान लेंगे कि क्या होगा, ये रेजोनेंस कंडीशन। तीसरा जो पॉइंट है वो क्या है, ठीक है, इंपीडेंस ऑफर क्या होगा, इंपीडेंस ऑफर्ड बाय क्या होगा, सीरीज LCR सर्किट इस क्या हो जाएगा, मिनिमम। ठीक है, बाद में मैं ये डायग्राम लिखूं, बाद में ड्रॉ कर, इंपीडेंस ऑफर्ड बाय द क्या होगा, सीरीज LCR सर्किट इस क्या होगा, मिनिमम, आई मीन Z मीन हो जाएगा, और ये मीन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई मीन क्या होगा, इंपीडेंस होगा वो क्या होगा, प्योरली क्या होगा, रेसिस्टिव होगा। I mean, इस सिचुएशन में बोल सकते हैं कि सर्किट जो होगा क्या होगा, एट रेजोनेंस सर्किट जो होगा क्या होगा, प्योरली रेसिस्टिव सर्किट होगा। क्या होगा, प्योरली, तो एट क्या होगा, एट रेजोनेंस LCR सीरीज सर्किट इज प्योरली रेसिस्टिव। ठीक है, क्या हो जाएगा, प्योरली रेसिस्टिव हो जाएगा। उसके बाद हम आते हैं फेज डिफरेंस कैलकुलेट करोगे तो क्या होगा, क्या होगा फेज डिफरेंस जब हम कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा, तो फेज डिफरेंस कितना होगा, देखो एड रेजिस्टेंस की बात करें तो फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगला पॉइंट देखो क्या होगा कि टेन फाई इज इक्वल टू क्या था, एक्सएल XL minus XC upon R, और ये तो सेम हो गया, तो क्या हो गया जीरो, तो phi is equal to क्या होगा, जीरो हो जाएगा। I mean क्या होगा, at resonance क्या होगा, at अगला पॉइंट, तो at क्या होगा, at resonance क्या होगा, current current flowing flowing in the circuit is always in phase with input power supply।
दैट इज क्या होगा, फेज फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज कितना हो जाएगा, करंट एंड वोल्टेज विल बी क्या होगा, विल बी जीरो। ठीक है, क्या हो जाएगा, करंट एंड वोल्टेज क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। देखो दैट इज ये दी क्या होगा, आई इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, आई नॉट साइन क्या लिखेंगे, ओमेगा टी। ठीक है, वेयर आई नॉट इज इक्वल टू क्या होगा, वी नॉट अपॉन क्या हो जाएगा आर, और वी इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी तो दिया ही, ये तो हमने माना ही है। तो रेजोनेंस की कॉरेस्पॉन्डेंस क्या होता है, इतने चीजें आपसे पूछी जाती है। और यह एक पावर फैक्टर जो होता है वो मैं अभी बाद में बता दूंगा, लेकिन यह लिख लो कि पावर फैक्टर जो होता है वो क्या होता है, वन होता है। बाद में मैं पावर फैक्टर के बारे में बताऊंगा तुमको, लेकिन अभी लिख लो। तो अगला जो पॉइंट है क्या है, पावर फैक्टर इज यूनिटी, आई मीन क्या होगा, पावर फैक्टर जो होगा वो क्या होगा, पावर फैक्टर is equal to क्या होता है, cos phi is equal to क्या होगा, R by क्या होता है, Z। ठीक है, Z क्या है, इम्पीडेंस, Z क्या है, इम्पीडेंस, R क्या है, रेसिस्टेंस। ठीक है, तो एड रेजोनेंस, देखो एड क्या होगा, एड रेजोनेंस, ठीक है, क्या हो जाएगा, एट रेजोनेंस, यहां से कॉस फाई का जो वैल्यू होगा वो कितना हो जाएगा, एट रेजोनेंस क्या होगा, जेड इज इक्वल टू क्या होता है, जेड इज इक्वल टू क्या होता है, आर होता है ना यार, तो कॉस फाई आई मीन पावर फैक्टर पी एफ इज इक्वल टू कॉस फाई इज इक्वल टू क्या होगा। तो याद रखना है कि एट रेजोनेंस क्या होगा, कई तरह से रेजोनेंस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो वो एट क्या लिखेंगे, एट ये बाद में हम पढ़ेंगे, ये मत बोलना कि ये पढ़ना नहीं है, ये अपने को पढ़ना है। एक पावर फैक्टर कॉस फाई होता है, ये क्या होता है बाद में हम डिराइव करेंगे तो मैं बताऊंगा। तो क्या होगा, एट रेजोनेंस क्या होगा, एट रेजोनेंस क्या होगा, पावर फैक्टर ऑफ सीरीज क्या होगा, सीरीज LCR सर्किट इज क्या होता है, विल बी क्या होगा, विल बी यूनिटी। ठीक है, क्या हो जाएगा, विल बी यूनिटी। ये बात समझ में आई, तो इतना क्या है तुमसे, सीरीज से क्या क्वेश्चंस, एलसीआर सीरीज सर्किट से, रेजोनेंस से इतना क्वेश्चंस पूछा जा सकता है, क्या है, पूछा जा सकता है। अभी मैं ग्राफ भी ड्रॉ करूंगा, तो ये रहा कब, जब एक्सएल इज इक्वल टू क्या होगा, एक्ससी होगा, क्या हो जाएगा, एक्सएल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्ससी हो जाएगा। ठीक है, अब देखो तीसरा केस क्या है, सेकंड केस। तो रेजोनेंस के लिए क्या, रेजोनेंस के केस में तुमसे कोई पूछे कि रेजोनेंस में क्या होता है, तो अब रेजोनेंस कई तरह के होते हैं, क्या होता है, सीरीज रेजोनेंस होगा, पैरेलल रेजोनेंस होगा, कल भी बताया था कि एल एंड सी में जब रेजोनेंस होगा तो किसी केस में क्या होता है, इंपीडेंस भी होता है, और किसी में क्या होता है, इंपीडेंस मिनिमम होगा, किसी में क्या होता है, इंपीडेंस क्या होता है, मैक्सिमम भी होता है। ठीक है, और भी पॉइंट है इसमें एलसीआर सीरीज सर्किट से रिलेटेड और भी पॉइंट है, लेकिन ये बाद में मैं बताऊंगा, केवल अभी मैं केस ही बता दे रहा हूं, क्योंकि अभी वोल्टेज मैग्निफिकेशन भी होता है। ठीक है, LCR सीरीज सर्किट जो होता है क्या होता है, इंपीडेंस क्या होता है, LCR सीरीज सर्किट जो है मिनिमम इंपीडेंस रेजोनेंस पे ऑफर करता है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड आल्सो एक्सेप्टर सर्किट। तो अगला पॉइंट भी लिख लेना यहां, है ना, कि क्या होगा, एट रेजोनेंस इंपीडेंस ऑफर्ड बाई क्या होगा, LCR सीरीज सर्किट इज मिनिमम
क्या होगा मिनिमम, हेंस हेंस सीरीज LCR सर्किट इज ऑल्सो कॉल्ड एक्सेप्टर सर्किट, इसको हम क्या बोलते हैं एक्सेप्टर सर्किट बोलते हैं। ये क्या करेगा, क्योंकि इनपुट को क्या करेगा एक्सेप्ट करेगा रेजोनेंस पे, ठीक है। ये भी तुमको क्या करना है याद रखना, ठीक है। अब देखो मैंने ये बताया था, अभी क्या बताया था कि अभी मैं क्वालिटी फैक्टर भी तुमको बता सकता हूं, लेकिन चलो बाद में बताऊंगा रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी और हाफ पावर फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो इतना ही रहने दो, फिर मैं बाद में बताऊंगा, ठीक है। अब देखो क्या होगा कि अब सेकंड केस जो है वो क्या है, फिर बाद में मैं बता दूंगा सेकंड केस। सेकंड केस क्या है कि व्हेन क्या होगा, अभी देखो व्हेन क्या होगा, एक्सएल इज ग्रेटर देन क्या होगा एक्ससी, क्या होगा एक्सएल इज ग्रेटर देन क्या होगा एक्ससी, आई मीन क्या होगा ओमेगा एल इज ग्रेटर देन क्या होगा ओमेगा, क्या होगा वन अपॉन ओमेगा सी, और ऐसे ही बोल सकते हैं क्या वी एल इज ग्रेटर देन क्या होगा वी सी, भी ध्यान देना। यहां से हम लिख सकते हैं कि ओमेगा स्क्वायर इज ग्रेटर देन क्या होगा वन अपॉन रूट एल सी, आई मीन ओमेगा इज ग्रेटर देन क्या होगा वन अपॉन रूट एल सी इज इक्वल टू क्या होगा ओमेगा आर, ठीक है। इस केस में देखो, इस केस में क्या होगा, इस केस में आई मीन एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो होगा आपको रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी से क्या हो जाए ज्यादा हो जाए, क्या हो जाए ज्यादा हो गया। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, इससे स्क्वायर रूट ऑफ एलसी से 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एलसी। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी ओनली डिपेंड ऑन द क्या होगा एल एंड सी, ठीक है। तो इन दिस केस क्या होगा, देखो तो एक्सएल एक्सी से बड़ा है तो क्या हो जाएगा पहला पॉइंट ये हो जाएगा, देखो tan phi अभी हमने ये देखा है ना, tan phi भी हम देख लेते हैं, tan phi is equal to क्या होगा xl minus xc upon क्या हो जाएगा r, I mean क्या हो जाएगा greater than क्या हो जाएगा g हो जाएगा ना, क्योंकि ये positive है, ठीक है। तो I mean i देखो तो यहाँ ये positive हो गया तो v is equal to I mean यहाँ क्या हो जाएगा v i is equal to क्या होगा i not sin of क्या होगा omega t minus क्या हो जाएगा phi, ठीक है। V is equal to I not, हम कैसे बताया अभी बताया था, I not is equal to अब क्या लिखेंगे I not is equal to क्या होगा V not upon क्या होगा G, ठीक है। उसके बाद V is equal to क्या लिखेंगे V not sin क्या होगा omega T। In this case क्या होगा, in this case I mean क्या होगा when XL is greater than XC तो क्या होगा क्या होगा I mean when the frequency is greater than क्या होगा resonance frequency then क्या होगा current will lag by voltage या lag with voltage with क्या होगा phi, phi हम कहाँ से calculate करेंगे यहाँ से तो हम लिखेंगे कि क्या होगा कि in this case I mean क्या होगा hence यहाँ हम क्या लिखेंगे क्या होगा in this case क्या होगा सर्किट सीरीज एल सी आर सर्किट इज कॉल्ड क्या होगा कॉल्ड इंडक्टिव सर्किट, ठीक है। दूसरा क्या होगा कि इन दिस केस क्या होगा, इन दिस केस क्या होगा करंट lag with voltage by क्या होगा phi, ठीक है। क्या हो जाएगा phi हो जाएगा। तो ये पूछा जाए कि सर्किट इंडक्टिव कब होगा, तो ये याद रखना है कि ओमेगा इज इक्वल टू क्या होगा ओमेगा इज ग्रेटर देन क्या होना चाहिए ओमेगा आर, और क्या होना चाहिए एक्सएल इज ग्रेटर देन एक्ससी और वीएल इज ग्रेटर देन वीसी। तो इस केस में क्या होगा देखो, यहाँ इस केस में फेजर डायग्राम भी तुम ड्रॉ करोगे तो कैसे ड्रॉ करोगे, फेजर डायग्राम भी ड्रॉ करोगे तभी मैंने बताया एक्सएल इज ग्रेटर देन मैक्सी मान दिया तो फाइ क्या हो जाएगा तुम्हारा पॉजिटिव हो जाएगा जो मैंने बताया था। तीसरा केस क्या होगा
तीसरा केस देखो क्या होगा। तीसरे केस में हम क्या देखेंगे कि केस थ्री कि व्हेन क्या होगा, व्हेन एक्सएल इज लेस देन क्या होगा एक्सी, ये जरूरी है एक्सएल इज क्या होगा लेस देन क्या हो जाएगा एक्सी। इस केस में क्या होगा एक्सएल इज जब क्या होगा लेस देन एक्सी हो जाएगा उस सिचुएशन में हम क्या लिखेंगे क्या लिखेंगे कि ओमेगा देखो ओमेगा एल इज लेस देन क्या होगा 1 अपॉन ओमेगा सी ठीक है आई मीन ओमेगा इज लेस देन क्या होगा ओमेगा स्क्वायर इज लेस देन क्या होगा एल सी आई मीन ओमेगा इज लेस देन क्या होगा स्क्वायर रूट ऑफ एल सी इज आई मीन क्या होगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी यदि लेस देन क्या होगा रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी से होगा तो उस सिचुएशन में क्या हो जाएगा एक्स सी इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा। अब देखो यहां क्या हो जाएगा नेगेटिव आ जाएगा ठीक है क्या होगा ये नेगेटिव आ जाएगा तो इस सिचुएशन में क्या होगा दैट इज यहां देखो क्या हो जाएगा tan phi इज इक्वल टू क्या होगा xl माइनस xc अपॉन r क्या हो जाएगा लेस देन क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा तो phi क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा है ना। तो इन दिस केस क्या होगा इन दिस केस क्या होगा ये में क्या होगा करंट विल लीड है ना करंट करंट विल क्या होगा विल लीड विद क्या होगा विद वोल्टेज वोल्टेज बाय क्या होगा पाई बाय क्या बाय फाई। यहां फेजर डायग्राम ऐसे ड्रॉ कर सकते थे ये वीआर हो गया मैंने वहां नहीं बताया वीआर हो जाएगा देखो इधर हम क्या लिखेंगे क्योंकि वीआर ऊपर है बीसी नीचे है इधर क्या लिखेंगे और यहां तुम ऐसे यही तुम्हारा क्या हो जाएगा देखो रिजल्टेंट वोल्टेज हो जाएगा इधर ये v नॉट इज इक्वल टू क्या होगा स्क्वायर रूट ऑफ vr स्क्वायर प्लस vc माइनस vl द होल स्क्वायर ठीक है। और यदि ये phi है तो यहां से तुम देख सकते हो कि इधर क्या होगा ये करंट हो जाएगा i और वोल्टेज तो वोल्टेज इस केस में क्या होगा लैग किया किससे करंट से phi यहां साइन नहीं लेना समझ में आना अभी ऑलरेडी मैंने नेगेटिव मान लिया है यार ठीक है। तो इस केस में जब ये ऐसा सिचुएशन हो तो VC माइनस क्या लिखोगे VC माइनस क्या लिखोगे ये चीज तुमको ध्यान देना है ठीक है कि करंट कभी क्या होगा अभी दिया रहेगा तुमको क्वेश्चन में दिया रहेगा कि करंट लीड विद वोल्टेज क्या होगा व्हेन द करंट लीड विद वोल्टेज आई मीन तीन ऑप्शन दिया होगा कि LR सर्किट है RC सर्किट है और LC सर्किट है ठीक है सीरीज सर्किट उस किस किस सिचुएशन में क्या होगा करंट जो होगा वो वोल्टेज से क्या करेगा लीड करेगा तो आरसी सर्किट में ही करंट क्या होगा वोल्टेज से लीड कर सकता है ये मैंने बताया फेजर डायग्राम ड्रॉ किया था तो अलग अलग ये ध्यान देना तो यहां क्या हो जाएगा वीएल माइनस क्या हो जाएगा बीसी ये फेजर डायग्राम हो गया ठीक है। तो करंट लीड विद वोल्टेज बाय क्या होगा फाई यहां देख रहे हो उसके बाद क्या होगा बी में क्या होगा सर्किट सर्किट इज कॉल्ड क्या होगा कैपेसिटिव सर्किट इसमें हम क्या बोलते हैं सर्किट को हम क्या बोलते हैं कैपेसिटिव सर्किट बोलते हैं क्या बोलते हैं हम कैपेसिटिव सर्किट बोलते हैं ठीक है क्या बोलते हैं हम कैपेसिटिव सर्किट बोलते हैं। तो तीन सिचुएशंस है इसमें और कैसे हम V और V, VL, VR एंड V नॉट में हम रिलेशन क्या होगा वो चीज हम यहां से लिख सकते हैं ठीक है। देखो कुछ इस पे हम क्या करते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं तो तुमको समझ में आएगा। अब यदि यहां इस केस में डायग्राम ड्रॉ किया जाए देखो पहले ये ड्रॉ कर लो कि यहां क्या है कि यदि ओमेगा आई मीन इंपेडेंस देखो यहां मैं तो एक साइड डायग्राम ड्रॉ और ये पूछा जाता है कि यहां क्या है जेड जेड ठीक है जेड आर एक्सएल एंड एक्स सब इधर है एक साथ मैटर इधर क्या है ओमेगा तो आपको मालूम है एक्सएल देखो एक्सएल इज इक्वल टू क्या होता है एक्सएल इज इक्वल टू ओमेगा एन xc is equal to क्या होगा 1 upon omega c z is equal to आपको मालूम है क्या होगा
r square plus xl minus xc का क्या होगा होल स्क्वायर, ये आपको मालूम है। और r का जो देखो क्या होगा, xl जो होगा वो क्या होगा, देखो ये क्या होगा, यहां से क्या होगा, बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, है ना, ठीक है। xc क्या होगा, कम होगा, xc जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे वैसे वैसे xc का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, कम होगा। जहां ये दोनों सेम हो जाएंगे, ये वाला ये क्या कंडीशन है, इसी को हम क्या बोलते हैं, इस सीरीज LCR सर्किट के केस में क्या बोलेंगे, रेजोनेंस बोलेंगे। तो दिस इज नथिंग बट द क्या हो जाएगा, ओमेगा आर हो जाएगा, ठीक है। जब अब देखो यहां से ओमेगा आर से आगे देखोगे तो कौन सा ज्यादा है, देखो यहां से ज्यादा देखोगे तो इस केस में यानी इस रीजन में क्या होगा, सर्किट जो होगा क्या हो जाएगा, इंडक्टिव हो जाएगा, क्योंकि XL जो है देखो यहां से दिख रहा है ना यार, XL इस रीजन में XL क्या है, XC से क्या है, बड़ा है, तो सर्किट क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सर्किट जो होगा क्या हो जाएगा, इंडक्टिव हो जाएगा। यदि ओमेगा आई मीन ओमेगा आर ओमेगा से क्या हो, आई मीन ओमेगा जो क्या हो, ओमेगा आर से छोटा होगा, तो देखो यहां से ये वाला रीजन, ये रीजन की बात कर रहा हूं, इस रीजन की, इस केस में XL जो है क्या, XC जो है वो XL से क्या है, बड़ा है, इसलिए इस केस में क्या हो जाएगा, सर्किट जो होगा वो क्या होगा, कैपेसिटिव हो जाएगा। और एट रेजोनेंस की बात करोगे उस सिचुएशन में ओमेगा आर का जो वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा, सॉरी इंपेडेंस जो होगा वो क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा, और जो सर्किट होगा वो क्या होगा, रेजिस्टिव सर्किट होगा, प्योरली रेजिस्टिव सर्किट होगा, ठीक है। अब यदि आप जेड की बात करोगे, देखो यहां हम देखें यही क्या हो जाएगा, आर, ये आर हो गया तुम्हारा। तो यदि कॉम्प्लेक्स आई मीन ये किसका डायग्राम है, ये z हो गया, दिस इज क्या हो गया xc, दिस इज क्या हो गया r, और दिस इज क्या हो गया xl, ठीक है। तो यहां इस केस में ये z mean, z तुम्हारा क्या हो जाएगा, mean is equal to क्या हो जाएगा, r। इधर क्या होगा, इधर जो सर्किट होगा क्या होगा, देखो xc is greater than क्या है, xl, इधर क्या है, xl is greater than क्या है, xc, और यहां क्या है, xc is equal to क्या है, x, ये already एक ही ग्राफ के थे क्या है, ये variation of z है, ठीक है। यदि variation of z कोई पूछे ओमेगा से, तो ये ग्राफ होगा, सब मैंने अलग अलग यहाँ draw कर दिया है, ठीक है। तो frequency जो होगा वो इस situation में क्या होगा, frequency से क्या होगा, z, r, xl और xc कैसे change होगा वो मैंने diagram draw कर दिया है, ठीक है। अब देखो क्या है, उसके बाद यदि करंट की बात करो, देखो अभी हमने देखा था रेजोनेंस की केस में, तो यहां क्या होगा, जैसी जैसे पीक वैल्यू ऑफ द करंट आपने देखा था कि आई वर्सेस यदि क्या होगा आई, यानी यहां क्या है पीक वैल्यू या आरएमएस वैल्यू होते हैं, और यह क्या होगा, तो क्या होगा ऐसे ही क्या होगा, ऐसे ही कुछ क्या होगा, ये जो कर्व होगा वो किसके सिमेट्रिकल होगा, ओमेगा, ओमेगा इज इक्वल टू क्या होगा। अब इधर ये रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है, इधर अब देखो क्या होगा, तुमसे पूछा जाएगा कि ये मान लो कि यहां इसके कोरिस्पोंडेंट जो रेजिस्टेंस का वैल्यू है वो क्या है, आर वन है, ये रेजोनेंस कर्व है, इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड रेजोनेंस कर्व, क्या बोलते हैं हम, रेजोनेंस कर्व, ठीक है। यहां इस केस में अब देखो क्या होगा, जैसे जैसे क्या करोगे आप, देखो ये क्या होगा आई, मैं नट आई वन हुआ, ये क्या हो जाएगा आई टू हो जाएगा, और दिस इज नथिंग बट क्या हो जाएगा आई थ्री हो जाएगा। एड रेजोनेंस क्या होगा, एड रेजोनेंस ध्यान देना, यदि पावर सप्लाई सेम हो तो एड रेजोनेंस आई नट इज इक्वल टू क्या होगा, वी नट अपॉन क्या होगा आर, तो वी नट यदि सेम रख लें तो आई नट क्या होगा, आई नट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा आर, वी नट हम क्या मान रहे हैं, ठीक है। तो जैसे जैसे क्या होगा, तब यहां से आप बता सकते हो कि जैसे जैसे क्या होगा रेजोनेंस बढ़ेगा वैसे वैसे पीक वैल्यू जो होगा वो क्या होगा, पीक वैल्यू ऑफ द क्या होगा करंट जो होगा वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। इधर इस केस में ये वाला केस जो है, ये वाला जो रीजन है
यहाँ क्या है, एक तो हम क्या बोल सकते हैं ओमेगा इज क्या है लेस देन, देखो यहाँ ओमेगा इज लेस देन क्या हो ओमेगा आर, और हम बोल सकते हैं क्या है इस केस में क्या है कि एक्सी एक्सी इज ग्रेटर देन क्या है एक्सएल, यहां क्या होगा इसकी कोरेस्पोंडेंस क्या होगा एक्सएल इज क्या होगा एक्सी, ठीक है। तो यहां क्या होगा इधर इस इधर हम क्या बोलेंगे सर्किट जो होगा ओमेगा से क्या होगा ओमेगा आर से ओमेगा कम होगा, तभी मैंने बताया था कि सर्किट क्या होगा क्या होगा कैपेसिटिव सर्किट होगा, क्या होगा इधर क्या होगा इधर रीजन में हम क्या होगा इधर बोलेंगे कि सर्किट जो होगा क्या होगा सर्किट विल बी क्या होगा विल बी कैपेसिटिव, इधर इस रीजन में इधर आई मीन ओमेगा आर से क्या होगा ज्यादा होगा, तो अभी मैंने बताया था इधर क्या हो जाएगा इस रीजन में क्या हो जाएगा सर्किट जो होगा क्या होगा सर्किट विल बी क्या होगा विल बी इंडक्टिव, अभी मैंने बताया। और एड रेजोनेंस आई मीन एड रेजोनेंस यहां क्या होगा यहां यहां क्या होगा सर्किट जो होगा क्या होगा विल बी क्या होगा विल बी प्योरली रेसिस्टिव या विल बी क्या होगा विल बी रेसिस्टिव, ठीक है। क्या हो जाएगा तो जैसे जैसे क्या होगा आप रेजिस्टेंस मान लो कि इसकी कोरेस्पोंडेंस क्या है इसकी कोरेस्पोंडेंस क्या है आर थ्री है, इसकी कोरेस्पोंडेंस रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या है आर टू है, और इसकी कोरेस्पोंडेंस रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या है आर वन है, तो हम बोल सकते हैं कि आर वन इज ग्रेटर देन क्या होगा आर टू इज ग्रेटर देन क्या होगा आर थ्री, ठीक है। क्या हो जाएगा ग्रेटर देन क्या हो जाएगा R3, तो ये क्या होगा रेजोनेंस कर्व होगा। और भी इसमें पॉइंट है अभी लेकिन उसको हम बाद में देखेंगे, पहले पावर फैक्टर क्या आई मीन क्या क्यू वैल्यू क्या होता है उसको भी हम देखेंगे, क्यू वैल्यू क्या शार्पनेस क्या होता है ना, तो आई मीन सेलेक्टिविटी तो उसको बाद में देखेंगे। अब हमें इसके एक दो न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं, ठीक है। इन द शोन क्या होगा शोन एल सी आर इन द क्या होगा इन द शोन एल सी आर सीरीज सीरीज सर्किट फाइंड द क्या होगा फाइंड द वैल्यू ऑफ वी आर, ठीक है। क्या है वैल्यू ऑफ क्या है वी आर, वी आर क्या है वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस, अब देखो क्या दिया ऐसे दिया हुआ है, ये दिया हुआ है कि 220 एम्पीयर्स, ठीक है। यहां और एक कैपेसिटर है और यहां मान लो क्या है ये आर ये सी हो गया ये एल हो गया, ठीक है। यहां देखो ये सर्किट दिया हुआ, अब इसका जो रीडिंग है ऐसे दिया रहेगा ये मान लो वी वन, तो वी वन इज इक्वल टू यहां दिया हुआ है कितने मान लो कि ये 100 वोल्ट है, और यहां भी क्या दिया हुआ है ये V2 का जो रीडिंग है वो भी क्या है 100 वोल्ट। यहां आपसे पूछा जाएगा देखो यही इसका जो रीडिंग होगा या इसको हम यही मान रखे हैं, ठीक है। तो फाइंड द रीडिंग ऑफ डायरेक्टली तो फाइंड द रीडिंग ऑफ V आई मीन इसका रीडिंग, ठीक है। अब देखो यहां क्या है सबसे पहले अभी क्या है क्या दिया हुआ है सीरीज क्या है एलसीआर सर्किट है, तो सीरीज एलसीआर सर्किट में देखो क्या है इन सीरीज एलसीआर सर्किट क्या होगा वी ए वी नॉट इज इक्वल टू क्या होगा V
वी आर स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा वी एल माइनस वी सी, क्या होगा यही होगा क्या है ये क्या है दिस इज नथिंग। अब देखो ये क्या है, आइदर हम ये वैल्यू क्या ले सकते हैं आरएमएस वैल्यू ले सकते हैं और क्या ले सकते हैं पीक वैल्यू ले सकते हैं, दो ही वैल्यू क्योंकि फेजर। अब आरएमएस ये देखो पीक वैल्यू है, हम क्या करें दोनों तरफ रूट टू से डिवाइड कर दें तो क्या हो जाएगा आरएमएस वैल्यू हो जाएगा। तो यहां हम क्या कर सकते हैं आइदर पीक वैल्यू ले सकते हैं और क्या ले सकते हैं आरएमएस वैल्यू ले सकते हैं। लेकिन ये क्या दिया हुआ है आरएमएस, क्योंकि हमेशा याद रखना है जो मीटर है वो क्या है एसी मीटर है और एसी जो मीटर होता है वो क्या चीज रीडिंग करता है ऑलवेज क्या कौन सा वैल्यू रीड करता है आरएमएस वैल्यू रीड करता है। तो यहां मीटर ये पीक वैल्यू नहीं है याद रखना, ये कौन सा वैल्यू है आरएमएस वैल्यू है हमेशा याद रखना आरएमएस वोल्टेज। ठीक है अब देखो यहां दिया हुआ है ये VL, देखो तो ये क्या हो जाएगा ये VL होगा और ये क्या हो जाएगा VC हो जाएगा। तो एक यहां दिया हुआ है गिवन में क्या है देखो ध्यान से गिवन में क्या है कि VL is equal to क्या है VC, ये कौन सा कंडीशन हो गया रेजोनेंस कंडीशन हो गया, क्या हो गया रेजोनेंस कंडीशन। ये क्या है VL is equal to VC हो गया था, XL is equal to क्या हो जाएगा XC हो जाएगा, यही होगा ना। ये क्या है हम बोल सकते हैं कि सीरीज आई मीन सर्किट शोन इन द फिगर इज एट क्या होगा रेजोनेंस, क्या होगा रेजोनेंस। तो हम बोल सकते हैं कि सर्किट शोन इन द फिगर, सर्किट शोन इन द फिगर इज क्या होगा इज एट क्या होगा रेजोनेंस। यहां से हम एफ आर भी लिख सकते हैं एफ आर इज इक्वल टू रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, कोई पूछे देखो तो यहां से क्या होगा ओमेगा आर इज इक्वल टू क्या होगा वन अपॉन रूट एल सी, यहां ये भी लिख सकते हैं एफ आर इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं टू पाई अंडर रूट क्या लिख सकते हैं टू पाई स्क्वायर रूट ऑफ एल सी। तो यहां से एफ आर भी दिया हुआ है, यही एफ आर कितना दिया हुआ है 50 हर्ट्ज दिया हुआ है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। लेकिन अब ये मालूम चल गया तो हम बोल सकते हैं कि एट रेजोनेंस क्या होगा ये सर्किट, कोई पूछे कि सर्किट का नेचर क्या है कैपेसिटिव है इंडक्टिव है और रेसिस्टिव है, तो आपका आंसर क्या होगा तो सर्किट क्या होगा एलसीआर सर्किट विल बी क्या होगा रेसिस्टिव इन नेचर, क्या होगा एलसीआर सर्किट विल बी क्या होगा विल बी रेसिस्टिव। ठीक है अब यहां से देख सकते हो कि ये वीएल वीसी तो वी नॉट is equal to क्या होगा V नट is equal to क्या हो जाएगा V R हो जाएगा और क्या हो जाएगा अब दोनों तरफ क्या करोगे root 2 से multiply कर दोगे I mean यहाँ value यहाँ RMS value रख दो ये कितना हो जाएगा 220 is equal to क्या होगा तो reading अब क्या हो जाएगा reading of voltmeter V is equal to क्या होगा 220 वोल्ट और ये कौन सा वैल्यू होगा आरएमएस वैल्यू, क्या है आरएमएस वैल्यू। उसके बाद एक और न्यूमेरिकल हम देखते हैं, फाइंड द क्या है फाइंड द रीडिंग रीडिंग ऑफ वोल्टमीटर गिवन इफ क्या होगा इफ एक्सएल इज इक्वल टू क्या है एक्ससी एज क्या है एज फाइंड द रीडिंग ऑफ वोल्टमीटर इन द क्या होगा इन द वोल्ट मीटर गिवन इन द शोन फिगर इफ क्या होगा इफ एक्सएल इज इक्वल टू क्या होगा एक्स। अब देखो रीडिंग डायग्राम दिया
ठीक है। ये यही क्या है ये एक्सएल हो गया एक्सी और आर, ठीक है यही एलसी एलसी आर सीरीज। यहां मान लो कि 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज दिया, ठीक है ये अभी याद रखना कौन सा वैल्यू आ रहा है। यहां क्या हो जाएगा बता सकते हो V1, हमने V1 माना है तो V1 का वैल्यू कितना होगा ये आप या ये भी पूछा जा सकता है। देखो V1 ठीक है सर, तो V1 इज इक्वल टू V1 के द्वारा रीडिंग क्या होगा बता सकते हो। अब देखो V1 का जो रीडिंग होगा वो क्या होगा, देखो क्या होगा अब यहां सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे इसके अक्रॉस, देखो ये क्या हो जाएगा आइदर क्या हो जाएगा रीडिंग और क्या होगा रीडिंग रीडिंग ऑफ क्या होगा वी रीडिंग ऑफ क्या होगा वोल्ट मीटर वोल्ट मीटर V1 इज इक्वल टू क्या होगा देखो VL माइनस क्या हो जाएगा DC हो जाएगा। अरे ये होगा ना यार इसके अक्रॉस वोल्टेज यही मेजर करेगा ना VL माइनस DC। अब ये दिया हुआ है क्या दिया हुआ है कि XL इज इक्वल टू क्या है XC है तो इसे इंडिकेट हो रहा है यहां दिया हुआ है। देखो गिवन में क्या है गिवन में क्या है XL इज इक्वल टू क्या है XC दोनों तरफ I से क्या करो मल्टीप्लाई कर ये क्या जाएगा VL इज इक्वल टू क्या होगा BC हो गया इसलिए रीडिंग अब क्या होगा रीडिंग रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर विल बी क्या होगा वोल्ट मीटर V1 will be क्या होगा will be zero क्या होगा zero क्या हो जाएगा zero। तो हमेशा याद रखना है कि वोल्ट मीटर क्या है इंडक्टर और कैपेसिटर के क्रॉस कनेक्टेड है उस सिचुएशन में है ना दोनों के सीरीज कॉम्बिनेशन के क्रॉस कनेक्टेड है उस सिचुएशन में रेजिस्टेंस भी क्या होगा। अब ये क्वेश्चन नहीं दिया जा सकता है इसमें पूछा जा सकता है फाइंड द क्या होगा फाइंड द रीडिंग शून बाय द क्या होगा वोल्ट मीटर V1 व्हेन व्हेन द करंट एंड वोल्टेज आर इन फेज। अभी आई नहीं दिया देखो क्वेश्चन घुमा दिया यहां ये नहीं दिया हुआ है कि रेजोनेंस है तो रेजोनेंस में मैंने ये बताया था कि रेजोनेंस में भी आता है यह भी पूछा जा सकता है इसमें भी पूछा जा सकता है कि फाइंड द क्या होगा द रीडिंग शून बाय द क्या होगा V1 वोल्ट मीटर V1 व्हेन द इंपीडेंस ऑफर्ड बाय द क्या होगा सीरीज LCR सर्किट इज मिनिमम। ये भी क्या है रेजोनेंस कंडीशन उस केस में भी रीडिंग ऑलवेज क्या होगा जीरो होगा। तो ये मैं यहां नोट में लिख देता हूं ठीक है ये तो ध्यान देना नोट में मैं लिख देता हूं यहां क्या होगा कि रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर विल बी क्या होगा विल बी जीरो इफ जीरो व्हेन है ना व्हेन ये में क्या होगा करंट करंट एंड वोल्टेज वोल्टेज आर इन क्या होगा इन फेज और यहां लिख देता हूं और क्या होगा इंपीडेंस और इंपीडेंस जेड विल बी क्या होगा विल बी क्या होगा विल बी मिनिमम और ये भी बोला जा सकता और क्या होगा करंट करंट इन द क्या होगा इन द सर्किट विल बी क्या होगा विल बी मैक्सिमम ठीक है। तो इतने तरह से और भी पूछा जा सकता है कि पावर फैक्टर क्या होगा भैया क्या होगा
पावर फैक्टर या इम्पीडेंस, यानी पावर फैक्टर क्या होगा, यूनिटी होगा। तो इतने तरह से इस केस में क्या होगा, फॉलोइंग केसेस में क्या होगा कि रीडिंग ऑफ द वोल्ट मीटर V1 विल बी क्या होगा, जीरो, जब क्या होगा करंट एंड वोल्टेज आर इन फेज और इम्पीडेंस क्या होगा मिनिमम होगा और क्या होगा करंट इन द सर्किट विल बी क्या होगा मैक्सिमम होगा। तो इतने तरह से तुमसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। इसके बाद दूसरा फाइंड द क्या होगा, फाइंड द क्या होगा, फाइंड द एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड ऑफ क्या हो जाएगा, एम्पलीट्यूड, फाइंड द एम्पलीट्यूड ऑफ इनपुट, इनपुट पावर, पावर सप्लाई क्या होगा एज शोन इन द क्या होगा इन द फिगर, ठीक है। देखो ये क्या है, ये 10 वोल्ट है, ठीक है। इसके अक्रॉस जो रीडिंग दिया हुआ है ये V2 मान लो ये क्या है 20 वोल्ट, ठीक है। और यहां जो वैल्यू ये मान लो कि ये क्या है, ये रीडिंग जो है वो 30 वोल्ट, ठीक है। अब यहां एक तो मैंने ये पूछ दिया कि फाइंड द एम्पलीट्यूड ऑफ इनपुट पावर सप्लाई, तो अब देखो ये क्या है, अगेन क्या है, क्या है एलसीआर सीरीज सर्किट है, क्या है एलसीआर सीरीज सर्किट, ठीक है। तो अब सबसे पहले क्या है कि हम जानते हैं कि वी इज इक्वल टू क्या होता है, देखो V0 is equal to क्या है VR square plus VL minus VC whole square। अब देखो ये सब जो वैल्यू दिया हुआ है क्या है RMS वैल्यू दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, ये सब RMS वैल्यू। तो यहां जब वैल्यू रखोगे तो ये क्या मिलेगा, RMS वैल्यू मिलेगा, पीक वैल्यू नहीं मिलेगा, ये ध्यान देना है, ठीक है। क्या है, यहां जब वैल्यू आप रखोगे तो आपको क्या मिलेगा यहां, क्योंकि ये हम RMS वैल्यू रख रहे हैं, ये सब RMS, तो ये भी ऑब्वियसली क्या होगा RMS वैल्यू आपको क्या होगा मिलेगा। तो RMS मिलेगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, उस पीक वैल्यू आप कैसे कैलकुलेट करोगे वो मैंने बताया था, ठीक है। तो पहले हम RMS वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं, तो V0 is equal to क्या होगा, देखो ध्यान से ये कितना हो जाएगा 100 प्लस ये कितना हो जाएगा 100 स्क्वायर, ठीक है, क्या हो जाएगा 100 स्क्वायर। अब यहां तुमसे ये भी पूछा जा सकता है, ये कितना हो जाएगा, देखो V0 is equal to क्या होगा, क्या हो जाएगा, I mean 10, ठीक है, sorry 10, 10 root क्या हो जाएगा 2, I mean 10 into 1.41, I mean कितना हो जाएगा 14.14 volt मिल गया। ये तुमको क्या मिला, RMS value मिला, ये क्या मिला RMS value, क्योंकि ये सब RMS है। अब मुझे क्या करना है, पीक वैल्यू कैलकुलेट करना है, पीक वैल्यू, तो पीक वैल्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो तो V0 RMS वैल्यू इनटू क्या होगा रूट टू हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, देखो कितना आ जाएगा 10 वोल्ट आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये रूट टू क्या हो जाएगा, हमने सही लिखा क्या कि गलत कर दिया है ना, नहीं यार ये हमने गलत लिख दिया है ना, यहाँ क्या हो जाएगा, ये टू V0 इंटू क्या हो जाएगा रूट टू, और यहाँ V0 का वैल्यू रखो तो 10 इंटू क्या हो जाएगा टू, आई मीन कितना हो जाएगा 20,
पीक वैल्यू ऑलवेज क्या होता है, आरएमएस वैल्यू से क्या होगा ज्यादा। अब यहां ये पूछा जा सकता है आपसे, तुम बताओ इस क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूं कि जो सर्किट होगा वो क्या होगा, कैपेसिटिव होगा या इंडक्टिव होगा या रेसिस्टिव होगा। देखो तो रेजोनेंस तो है नहीं यार, तो रेसिस्टिव तो हो ही नहीं सकता है। आप देख रहे हैं यहां देखो VL इज ग्रेटर देन क्या दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है यहां VL इज ग्रेटर देन क्या दिया हुआ है VC, तो सर्किट हेंस क्या होगा, हेंस हेंस सर्किट विल बी क्या होगा, विल बी क्या होगा इंडक्टिव। और अभी बताया था इंडक्टिव, उसके बाद क्या होगा इंडक्टिव होगा तो क्या होगा करंट जो होगा वो क्या होगा वोल्टेज से कितना, करंट जो होगा वो क्या होगा वोल्टेज से क्या करेगा लैग करेगा। तो लिख देंगे क्या वोल्टेज, आई मीन वोल्टेज विल क्या होगा विल लीड विद क्या होगा विद करंट, करंट बाय क्या होगा फाई। ठीक है, अब देखो यहां टेन फाई लिख सकते हो, टेन फाई इज इक्वल टू क्या होगा VL माइनस VC अपॉन VR, यही बताया था ना यार, यहां रखोगे तो कितना हो जाएगा टेन अपॉन क्या हो जाएगा टेन, यहां से फाई इज इक्वल टू तुमको क्या मिल जाएगा पाई बाई फोर। ठीक है, अब यहां करंट, चलो करंट भी हम लिख लेते हैं, तो करंट एम्पलीट्यूड ऑफ करंट कितना होगा ये बता सकते हो तुम लोग क्या है एम्पलीट्यूड ऑफ करंट कोई पूछे तो क्या होगा बता सकते हो, पीक वैल्यू ऑफ द करंट। ऑब्वियसली तुम क्या कर सकते हो कैलकुलेट कर सकते हो, क्यों करंट कैसे कैलकुलेट करेंगे, पीक वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं, आई या आरएमएस वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं, आई आरएमएस इज इक्वल टू क्या होगा वी आरएमएस अपॉन क्या हो जाएगा जेड, और जेड कितना होगा यार वी आरएमएस अपॉन जेड क्या होगा, इंपीडेंस कितना होगा बता सकते हो, देखो आर स्क्वायर प्लस क्या होगा एक्सएल माइनस एक्ससी, लेकिन यहां अपने को इंपीडेंस नहीं दिया हुआ है इसलिए हम ये वैल्यू नहीं फाइंड आउट कर सकते। ठीक है, क्या है इंपीडेंस नहीं दिया हुआ, इंपीडेंस हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, जेड इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल एक्सएल माइनस एक्ससी, तो क्या हो जाएगा एक्सएल माइनस एक्ससी द होल स्क्वायर। ठीक है, तो जैसे देखो एक और क्वेश्चन, देखो यहां क्या है फाइंड द, क्या है फाइंड द रीडिंग, रीडिंग शोन शोन बाय एमीटर, फाइंड द रीडिंग शोन बाय द एमीटर एज शोन इन द फिगर, एज शोन इन द क्या होगा इन द फिगर। ठीक है, ये क्या हुआ एक्ससी इज इक्वल टू, हम अगेन क्या मान लेते हैं, चलो 20 वो मान लेते हैं। ठीक है, ये क्या होगा अगेन हम 10 वो मान लेते हैं, और एक्सएल इज इक्वल टू 30 वो मान लेते हैं। ठीक है, यहां मान लेते हैं कि 220 यहां एमीटर, सॉरी यहां एमीटर। ठीक है, यहां क्या है 220 वोल्ट और 50। ठीक है, तो यही एमीटर है, ये क्या है सीरीज, क्या है सीरीज एल सी आर सर्किट। ठीक है, अब देखो सबसे पहले आप क्या करो इंपीडेंस कैलकुलेट करो, क्या कैलकुलेट करोगे इंपीडेंस, इंपीडेंस कितना होगा देखो मैंने बताया था जेड इज इक्वल टू क्या होगा एक्स आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी का क्या होगा होल स्क्वायर, यही होगा ना क्या होगा जेड स्क्वायर, जेड इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी स्क्वायर, यहां वैल्यू रखोगे तो कितना हो जाएगा टेन रूट टू ओम आएगा, यही आएगा ना यार। अब देखो रीडिंग, देखो अब आई यहां करंट फ्लो होगा तो रीडिंग ऑफ क्या होगा, देखो ये कौन सा वैल्यू आरएमएस है तो क्या लिखेंगे रीडिंग, रीडिंग ऑफ एमीटर इज इक्वल टू क्या होगा आरएमएस वैल्यू, आई मीन क्या होगा टू क्या लिखेंगे देखो वी आरएमएस
डिवाइडेड बाय क्या होगा जी, वी आरएमएस कितना है 220 डिवाइडेड बाय जेड कितना आया तुमको, देखो कितना ही आएगा ना, कितना होगा 10 रूट क्या हो गया 2, ये कैंसिल हो गया थे, क्या होगा 11 रूट 2, ठीक है, क्या हुआ 11 रूट 2 एम्पियर क्या हुआ आंसर आ गया। अब आरएमएस मालूम चल गया तो पीक वैल्यू लिखना है यार, आई नट, आई नट इज इक्वल टू क्या होगा देखो 100 बाय रूट 2 इज इक्वल टू क्या होगा आई आरएमएस, तो आई नट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा रूट 2 इनटू आई आरएमएस, ठीक है, अभी कितना हो जाएगा रूट 2 इनटू कितना होगा 10 रूट 2 और ये कितना हो जाएगा 20 एम्पीयर हो जाएगा, ये आई नट मालूम चल गया। अब यहां भी देखो क्या है, एक्सएल क्या दिया हुआ है, एक्सएल क्या है, एक्सएल क्या है, सिंस एक्सएल इज ग्रेटर देन क्या है एक्सी, है ना यार, हेंस क्या होगा, हेंस सर्किट जो सर्किट विल बी क्या होगा, विल बी इंडक्टिव, इंडक्टिव में क्या होगा दैट इज क्या होगा करंट, क्या होगा आई मीन वोल्टेज, वोल्टेज विल क्या होगा विल लीड विद करंट, क्या करेगा वोल्टेज होगा और करंट से क्या करेगा लीड करेगा, तो यहां हम क्या लिख सकते हैं, अब सबसे पहला क्या क्या मैं देखो tan phi लिख डालो तो tan phi अगेन क्या होगा xl minus xc upon क्या हो जाएगा r, यहां बंद हो जाएगा, ठीक है, तो phi is equal to क्या होगा pi by 4 हो जाएगा। अब यहां तुमसे कोई पूछे कि करंट का इक्वेशन लिख डालो तो तुम आसानी से लिख सकते हो, देखो I is देखो यहां v का इक्वेशन लिखोगे तो क्या लिखोगे RMS वैल्यू है तो कैसे लिखोगे पीक वैल्यू देखो तो 220 रूट 2 साइन ऑफ क्या होगा 100 पाई टी, तो आई क्या होगा ये वोल्टेज लीड कर रहा है तो आई क्या हो जाएगा आई नट क्या हो जाएगा साइन ऑफ क्या होगा ओमेगा टी माइनस फाई होगा, यही होगा तभी वोल्टेज लीड करेगा ना और फाई का वैल्यू यहां से रख देंगे तो आई इज इक्वल टू आई नट साइन ऑफ क्या हो जाएगा आई मीन 100 100 पाई टी माइनस पाई बाई क्या हो गया 4, आई नट का वैल्यू अपने को मालूम है कितना हुआ 20, तो आई इज इक्वल टू क्या होगा 20 साइन ऑफ 100 पाई टी माइनस पाई बाई क्या होगा 4, यही तुम्हारा करंट का भी इक्वेशन हो गया। तो ऐसे हम क्या करते हैं, अभी करंट एक्सएल दिया हुआ है इसलिए हमने यही ले लिया, यदि एक्सी माइनस तो यदि एक्सी एक्सएल से क्या होता बड़ा होता तो हम क्या करते हैं यहाँ एक्सी माइनस क्या लेते एक्सएल, यही इस क्वेश्चन में होमवर्क देता हूं तुम खुद से ट्राई कर लेना, ठीक है, देखो इन द शोन फिगर यहां मैं थोड़ा सा और लिख देता हूं, ठीक है, इन द क्या होगा शोन फिगर, ठीक है, फाइंड क्या है फाइंड ये में क्या है रीडिंग रीडिंग ऑफ, यहां देखो हमने क्या किया चेंज कर दिया, चले यहां हम 30 ओम ले लेते हैं और यहां क्या करते हैं 20, ठीक है, फाइंड द रीडिंग ऑफ क्या होगा फाइंड द रीडिंग ऑफ एमीटर और दूसरा क्या होगा बी में क्या लिखोगे इंस्टेंटेनियस करंट, करंट इन द सर्किट, ये होमवर्क है इसको एक बार तुम लोग क्या करना ट्राई कर लेना बस, ठीक है, और कल भी हम एलसीआर सीरीज आई मीन इसके बाद वाले क्लास में भी एलसीआर सीरीज सर्किट पढ़ेंगे क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी तुमको बैंडविड्थ बताना है इसमें है ना हाफ पावर फ्रीक्वेंसी क्या होता है, ठीक है, उसमें रेडिएशन क्या होता है रेजोनेंस तो हमने पढ़ा रेजोनेंस का कुछ पार्ट और मैं बताऊंगा तो इसको तुम लोग ट्राई कर लेना, ठीक है, आज की क्लास में बस इतना ही, ओके थैंक यू।